तो अगर हम एलटी प्लानिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से एक जो सबसे पहली चीज है कि आज हम जो बात करेंगे वो चार चीजों पर आधारित होगी। नंबर एक होगा कि हमारा फोकस एरिया क्या हो, फोकस एरियाज। तो आपके लिए जो नंबर दो चीज में लेके आया हूं वो होगा मैक्रो प्लानिंग। आज की बातचीत इन तीन पॉइंट्स पे रहेंगी। और नंबर तीसरा जो हमारा आज का मुद्दा रहेगा बातचीत का वो होगा रिवीजन। अब सवाल ये उठता है कि हमारे फोकस एरिया क्या क्या होने चाहिए। देखिए, हमारे फोकस एरियाज को हमने बहुत ही एम्बीडेक्स्ट्रस बनाना चाहिए। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब ऑलराउंड। फोकस एरिया मस्ट मस्ट बी एम्बीडेक्स्ट्रस। तो कैसे बनाएंगे फोकस एरिया एम्बीडेक्स्ट्रस? इसके लिए हमें किसी एक तरीके के टाइप या जॉनर पे हमें बिल्कुल भी अपने को लिमिट नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारे फोकस एरिया के लिए जो सबसे पहले हमें जरूरत है वो ये है कि पैटर्न देखें कि किस तरीके से ओल्ड क्वेश्चन पेपर आए हैं। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर एक फोकस एरिया रहेगा आपका, जिसको आप देखेंगे एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट पैटर्न। जब आप पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई किस्म के क्वेश्चन उसमें हैं, जिस ऑब्जेक्टिव भी कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो हमारा जो सबसे ज्यादा, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि जितने लोग हैं, और बाकी जो प्लानिंग है वो कोई भी से आत्मसात कर सकता है, लेकिन मैं उदाहरण इंग्लिश के दे रहा हूं क्योंकि उससे बहुत आसान हो जाएगा। अगर हमारे पास जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हमें पता है तो हमें पता चलेगा कि अगर हम एक ही तरीके की तैयारी करें तो हम लोग धोखा खा सकते हैं। इसका वजह क्या है? वजह यह है कि हमें देखने हैं एक ऑथर बुक बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा हमें देखने हैं कि लिटरेचर की बात करें तो दूसरा हमें देखना है कि किस तरीके के मैच द फॉलोइंग आते हैं, कितने आ रहे हैं। तीसरा हमें देखना है कि हमारे पास जरूर कुछ बुकर प्राइज और नोबेल प्राइज विनर होते हैं और पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज एटसेट्रा, ठीक है, मैन बुकर, ये सब चीजें। मैं एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ दो नाम लिख रहा हूं। उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, कि कहानियां जो हैं उसमें से करेक्टर या उसका इंटरप्रिटेशन या किसी चीज से रिलेशन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टाइटल बेस्ड होते हैं, कि इसका टाइटल कहाँ लिया गया, कहां से लिया गया, इसका मीनिंग क्या है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपके सामने जो टाइटल बेस्ड के अलावा कुछ खास है, कि कोई एक ऑथर का रेफरेंस दूसरे ऑथर में मिलता है, सेकंड ऑथर में, कि ये ऑथर के किस बुक को इस ऑथर ने अडॉप्ट किया था, ये ऑथर इसके किस चीज से इन्फ्लुएंस था। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जो है टाइप हैं। अगर आप एक ही तरीके के एमसीक्यू पे चलते हैं तो कभी नहीं हो पाएगा। आपको फोकस करना है एम्बिडेक्स्ट्रसली कि हमारा जो फोकस है वो बहुत चारों ओर बिखर के रहे और हमारे प्रिपरेशन में एक ही टाइप के क्वेश्चन पेपर ना हो और या क्वेश्चंस के टाइप ना हो, हम कई तरीके के इसमें टाइप करें। कई आते हैं कि आपके जॉनर से रिलेटेड, जॉनर रिलेटेड कि बेस्ट सोनेट कौन सी है इस ऑथर की, ठीक है, और बेस्ट जो है इन चारों में से बेस्ट लिरिक कौन सी है, या ये कौन सा जॉनर है जो पोयम है, ठीक है। तीस एक कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, कुछ मीटर, रेटोरिक प्रोजोडी जिसे हम कहते हैं रेटोरिक प्रोजोडी,
रेटोरिक प्रोजोडी, हालांकि फिगर ऑफ स्पीच भी रेटोरिक में आ जाता है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि मेरा मतलब है, मैं अभी बहुत सारे नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको मैं एक हिंट दे रहा हूं कि आपकी फोकस एरियाज इतने होने चाहिए, ना कि सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन। नंबर एक, सो एम्बिडेक्स्ट्रसली फोकस करें आप, ठीक है। दूसरा मैं कहता हूं कि मैक्रो प्लानिंग करें। मैक्रो प्लानिंग का मतलब है, हिंदी में से कहते हैं कि स्थूल तरीके की प्लानिंग। स्थूल क्या होता है कि जिसमें आप आउटवर्डली एक स्ट्रक्चर दें किसी चीज को, आउटवर्ड या सरफेशियल स्ट्रक्चर दें। अब वो सरफेशियल स्ट्रक्चर आप कैसे देने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। उस सरफेशियल स्ट्रक्चर के फिर अंदर डीप कैसे जाएंगे जो बहुत ही प्लैंड होना चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इन दोनों वीडियो में से किसी को भी मिस मत कीजिएगा, और एक सेकंड भी आप इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, जितनी भी टिप्स हैं ये सारी वेल ट्राइड टिप्स हैं, और इसमें एक्सपीरियंस के साथ साथ जो हमारी काउंसलिंग होती है बच्चों के साथ, और जिसमें रिजल्ट ओरिएंटेड हमने देखी है टेक्निक्स, वो बता रहा हूं आपको, बहुत फायदा होने वाला है, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट करते हो। अब जब हम मैक्रो प्लानिंग की बात करेंगे, तो मैक्रो प्लानिंग में हमें पूरे पेपर का आइडिया लेना पड़ेगा कि पेपर में किस किस तरीके के जो है सब्जेक्ट है, और कितने क्वेश्चन किस तरीके से कहां से आते हैं, और उसको कितना टाइम दिया जाए। तो सबसे पहले मैक्रो प्लानिंग में मैं आ रहा हूं, और मैक्रो प्लानिंग का सबसे बड़ा रूप है कि हमारे पास टाइम कितना है, ठीक है, और उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हालांकि मैं एक क्रैश कोर्स भी शुरू कर रहा हूं एलटी का, और उसका मैं जानकारी अगले वीडियो में दूंगा, लेकिन पहले हम ये देख लें कि टाइम के हिसाब से कैसे हमारी मैक्रो प्लानिंग होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं मैक्रो प्लानिंग की ओर, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें एक चीज आप मान के चलिए कि ज्यादातर स्टूडेंट इस समय पूरी तरह कंफ्यूज है, और एक चीज आप मान के चलिए कि अगर आप अभी भी अपने नोट्स फ्रेम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और नोट्स ही पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बदल जाने का वक्त आ गया है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, और अलार्म बज चुका है, खतरे की घंटी चालू हो चुकी है। तो अगर आप नोट्स प्रेम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप तुरंत अपने नोट्स बंद कीजिए और रख दीजिए साइड में, ठीक है। आप कहेंगे सर ये क्या बेवकूफी भरी बात है, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज है जिसे हम पढ़ते पढ़ते हमेशा, इतना ज्यादा कोर्स होता है और पढ़ते पढ़ते हमें सिर्फ यही रहता है कि जितना मेरे को आ रहा है यार वो तो पिछला मैं भूल गया, जितना आ रहा है मैं पता नहीं क्या हूं, और आप एक निराशा के भंवर में चले जाते हैं। अब वक्त आ गया है कि आपने जितना पढ़ा था उसको कसौटी में कसें, और आप उसको देखें कि क्या मेरे पास सिचुएशन है और कहां मेरे लूप होल्स हैं। अगर अब भी नहीं देखेंगे या जागेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले मैक्रो प्लानिंग यह है कि आप नोट्स को छोड़ दीजिए, नोट्स मोह से बाहर आइए, ठीक है, लीव नोट्स। अब आप कहेंगे कि नोट्स छोड़ दें, नोट्स छोड़ने का मतलब यह है कि यूज देम एज ए रेफरेंस, आप उनको एज ए रेफरेंस ही यूज करेंगे अब, और बाकी अभी उसे मत खोलिए। अब रेफरेंस कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। जब नोट्स आपने छोड़ दिए तो सर फिर दूसरी प्लानिंग क्या है? दूसरी प्लानिंग ये है कि आपने अब अपने हर सब्जेक्ट पर रेंडमली एमसीक्यूज ट्राई करने एज मच एज यू कैन, जितने एमसीक्यू हो सकते हैं वो ट्राई करें। लेकिन लोगों में अभी भी फिर ये है कि सर फिर मेरा टाइम पीरियड कितना होना चाहिए पढ़ाई का, तो पहली चीज ये भी आती है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपका एग्जाम मार्च, तो जैन और फैब दोनों का बता दे रहा हूं, जैन में आपको चाहिए कम से कम 6 आवर्स डेली, और फैब में आपको चाहिए 8 से 9 घंटे डेली। और इसमें भी फिर मैं इसी में आऊंगा, पहले आपको थोड़ा और ऊपर लेवल पे ले जा रहा हूं कि टाइम के हिसाब से। उसके अलावा इन 6 आवर्स डेली में आपको बिल्कुल फ्रैगमेंट करके बता रहा हूं मैक्रो में, नंबर ए लिटरेचर को आप देंगे, जो और सब्जेक्ट वाले हैं वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट को इसमें बांट सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है और बड़ा है। लिटरेचर को आप देने वाले हैं 2 घंटे, और आप देने वाले हैं ग्रामर को 1 घंटा,
अब अगर डिपेंड करता है, अगर आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, अगर आपकी ग्रामर वीक है तो आप ग्रामर को थोड़ा घंटा बढ़ा सकते हैं, डेढ़ कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. इट इज जस्ट ए ब्लूप्रिंट एंड यू कैन वेरी इट अकॉर्डिंग टू योर ओन डिमांड एंड नीड्स. सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसे आपने नहीं भूलना है, पेडागोजी 30 क्वेश्चन जो लेके आते हैं, पिछली बार आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हुए थे, जिसमें हमने इस बार बहुत अच्छा पेडागोजी बहुत डीपली पढ़ाया, मैंने खुद पढ़ाया और पेडागोजी का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूं 1 तारीख को. तो पेडागोजी आप पूरे 2 घंटे दीजिए, अब बचा आपके पास 6 घंटा, है ना, 1 आवर, और इसको देंगे आप एक और इंपॉर्टेंट, जिसने पिछली बार कई बच्चों को निगल लिया था, जो 10-12 क्वेश्चन आ गए थे. एनसीईआरटी के लिए 1 घंटा काफी है, इसमें आपको बिल्कुल फोकस होके पढ़ना है. और ये आपका क्या है, 6 आवर डेली, ये डेली का प्लान है, इसमें से एक भी छूट चीज नहीं छूटनी चाहिए डेली. और इसमें से आपने क्या करने हैं, एमसीक्यू एज मच एज यू कैन. जिसने अभी तक कोर्स खत्म नहीं किया या फिर वो कहीं बीच में है, तो अपने कोर्स को चाहे वो आधा घंटा दे या कुछ करे या रिवाइज कर रहा हो तो थोड़ा बहुत करे, लेकिन उस पे एमसीक्यू जरूर करे. अब आप कहेंगे एमसीक्यू का क्या फायदा होगा सर, और एमसीक्यू करेंगे तो उससे क्या होगा अगर हमें कुछ आएगा ही नहीं, तो मैं बताऊंगा कि एमसीक्यू का क्या फायदा है जो हमारे तीसरे सेगमेंट में आएगा, फोकस एरिया रिवीजन में. पहले आप इतना समझ गए होंगे मुझे लगता है, और यही अगर फरवरी में जाए तो फरवरी में यही चीज शिफ्ट होके कैसे हो जानी है, लिटरेचर आपका हो जाना है, वही 2 आवर्स ही रहेगा. सर आपने 2 ही आवर्स क्यों रखा, यस बिकॉज यू आर डिनाइंग वन फैक्ट कि 1 महीने में आप इसमें स्पीड में अच्छे बन चुके होंगे, और जो आप यहां 2 घंटे में निकाल रहे हैं आउटपुट, वहां वो 1 घंटे में निकाल लेंगे, क्योंकि अब आप बहुत ज्यादा अभ्यस्त हो चुके हैं. चीजें बार बार कुछ ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे जो आपको आते हैं, बार बार आपको देखी हुई चीजें आ रही होंगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा. ग्रामर में आप यहां 1 घंटा ही रखिए. कुछ लोग इसको 2 घंटा बढ़ा सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये ग्रामर में मुझे ज्यादा फोकस की जरूरत है, ठीक है. लेकिन आप अगर कहें कि पेडागोजी में भी मैं आपको 2 घंटे अभी भी सजेस्ट करूंगा, और एनसीईआरटी में भी सजेस्ट करूंगा 1 घंटा. तो 2 और 1 3, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं 2 घंटे को, 3, 2, 5 और 1 6. सर बाकी के 6 के बाद जो 3 घंटे बचे वो कहां यूज होने, वो 3 घंटे आप यूज करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में, और वो इंपॉर्टेंट चीज होगी जो मैं यहां बताऊंगा अभी, और जिसका रिलेशन यहां होगा, वो होगा रिवीजन. पर किस तरीके का रिवीजन वो मैं बताता हूं. रिवीजन होगा 1.5 आवर, 1.5 घंटा, और जो 1.5 घंटा बचता है उसमें आप यूज करेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर और बाकी चीजें करने में. अब आप कहेंगे सर ये जो है इसमें रिवीजन वाली चीज क्या है, उस पर अब हम आ रहे हैं. तो मैक्रो प्लानिंग में आपने नोट्स छोड़ने, एमसीक्यू करने हैं बहुत सारे, और एमसीक्यू करने में आपको कितना टाइम बांटना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है. अब जो तीसरा है मैं शॉर्ट में बता रहा हूं इसलिए क्योंकि वीडियो में बहुत कम टाइम है, और तीसरा है रिवीजन. रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक बहुत ही खास तरीके की जो मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं आपको, वो कर रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है. आप गौर से सुनिएगा, तो मैं इसे पहले रब करता हूं फिर आते हैं रिवीजन पे. जो रिवीजन होने वाला है उसके लिए मैं एक खास तरीके की चीज आपको बता रहा हूं. मैंने आपको नोट्स क्यों छुड़वाए उसका आंसर आपको यहां मिलेगा. जब आप खूब सारे एमसीक्यूज करेंगे तो रिवीजन की आप एक नई कॉपी बना लें, योर नोटबुक, बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं यह भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जिस किताब से या जिस कॉपी से या जहां से भी आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं वहां पर जो एमसीक्यू आपको नहीं आएगा उस पर एक स्टार और
एमसीक्यू के उस पेज के ऊपर आप सपोज आज आपने 12 तारीख को किया या किसी भी तारीख को किया है, तो 12 जो है दिसंबर लिख दें एमसीक्यू के ऊपर वाले पेज में सबसे, और उस क्वेश्चन के ऊपर एक स्टार लगा दें। इसका मतलब यह है कि आपने जब 12 को ये एमसीक्यू अटेम्प्ट किए थे 12 दिसंबर को, तो एक ये क्वेश्चन था जिससे मैं अटका हूं, एक बार ऐसा हो चुका है। अगर आप दोबारा जब रिवाइज करते हैं तो दोबारा इसी एमसीक्यू पर अटकते हैं तो उसमें 2 स्टार लग जाएंगे और यहां पर स्लैश करके अगली तारीख आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन आपको 2 बार अटका चुका है, तो ये क्वेश्चन पे आपको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। तो आपको या इसे एक या दो बार में ही खत्म करें, अगर कोई क्वेश्चन 3 या 4 बार आपका जो है खराब जा रहा है तो आपको ये देखना है। अब इसका यहां से कैसे रिलेशन होगा, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे और इंपॉर्टेंट मिलते हैं उसको इस नोटबुक में बुलेट पॉइंट्स पर लिख लेना है विद आंसर। इसमें कोई आप ऑप्शन नहीं लिखेंगे, आप सीधे लिखिए कि दिस 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 हैज बीन डन। एक एक जो है आपके पास एक बुलेट पॉइंट बन गया, वन लाइनर। दूसरा, तीसरा, इसमें कोई आपको एज वाइज नहीं जाना, राइटर वाइज नहीं जाना, रेंडमली लिखते जाइए। जो अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है, जो एमसीक्यू में टक रहे हैं, वो यहां लिखते जाइए। इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा यह होगा कि जो मैंने आपको नोट्स छुड़वाए थे उसकी जगह आपकी बाइबल अब ये है। जब आप रिवाइज करें तो इस कॉपी को रिवाइज करें, क्योंकि जो आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं, जितने आपको आ रहे हैं वो सब आपको आता है। जो इसके अंदर है वो पॉइंट है जो आपकी वीकनेस है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इन नोट्स से पढ़ें। और दूसरी बात, अगर आपके ये स्टार कहीं आ रहे हैं, इस स्टार के आने पे आप अपने नोट्स खोलिए कि इस वाले क्वेश्चन में मैं बार बार अटका हूं, इस ऑथर में मैं बार बार अटका हूं, तो मुझे इस वाले ऑथर पे जाके एक बार इसको रिवाइज करना है सॉलिडली कि क्यों अटक रहा हूं, क्या मैं इसके अंदर कुछ कमजोर हूं। तो आपके पास ये 2-way जो है काम करता है। एक, जिस क्वेश्चन पे आप अटकते हैं उस पे आप नोट्स का रेफरेंस लेते हैं, दूसरा उसको है बुलेट पॉइंट की तरह यूज करते हैं। यू विल नॉट बिलीव कि 1-1.5 महीने में आपके कॉपी कम से कम 1-2 हजार या 3 हजार बढ़िया क्रीम क्वेश्चंस का एक जो है सिलेक्शन होगा। सेम विद द ग्रामर, सेम विद द लिटरेचर, सेम विद द एनसीईआरटी एंड सेम विद द पेडागोजी। एंड यू विल नॉट बिलीव कि दिस कॉपी विल सर्व एज अ बाइबल, और एक बून होगा, बून इन डिस्गाइज, कि आप जो है इस कॉपी से बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। इस कॉपी को आपने रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, और जहां आपने अटकना है वहां आपने नोट्स खोल के उसको पूरी तरह सॉलिडली फिर से कब्जे में लाना है। दिस शुड बी द स्ट्रेटजी, बट दिस इज नॉट द एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये सिर्फ एक मैक्रो प्लानिंग थी, पर इस स्ट्रेटजी के अंदर ये जो हम करेंगे एमसीक्यू, ये जो हम बांटेंगे, वो कैसे होना चाहिए, उसको डीपली इंटरनली कैसे प्लान करना है टाइम वाइज, उसे कहते हैं माइक्रो प्लानिंग। और टाइम के हिसाब से मैं कैसे करूंगा और इतने ज्यादा कोर्स के हिसाब से मैं कैसे करूंगा उस प्लानिंग को, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और देखते रहिए मेटामॉर्फोसिस, और मैं अब एक्टिव मोड में आ गया हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ। एग्जाम आते ही आपको पता है कि मैं दिन रात एक करता हूं आपके लिए, और अब आपके पास हर रोज या लगातार वीडियो आते रहेंगे। और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें मैं क्रैश कोर्स और बहुत सारे अपने कोर्स जो आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें अगर आपकी बहुत कम तैयारी भी है तब भी मैं आपको ज्वाइन करवा सकता हूं, तब भी मैं आपको क्लियर करवा सकता हूं, गेट थ्रू करवा सकता हूं। कैसे, वो मेरी अपनी स्ट्रेटजीज हैं। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजीज पसंद आई, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड कमेंट करना ना भूलें कि आपको और क्या चाहिए इस एलटी और लेक्चरर या फिर किसी भी एग्जाम के लिए। तो देखते रहिए मेटामॉर्फोसिस, एंड योर कमेंट्स एंड योर सपोर्ट, योर शेयरिंग इज माई इंस्पिरेशन। सो दिस इज नागिंद, एंड सी यू, बाय बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।